रखा और इसमें समय समय पर घी डालते रहे वो। कभी भी ये दोनों एक ना हो जाएं, इसके लिए पूरी ताकत लगाकर अपने एजेंटों को उन्होंने भारत की बहुत सारी संस्थाओं में घुसा के बिठा दिया कि ये समाज एक ना हो जाए। और इस तरह से बदस्तूर गाय कटती रही और हत्या होते होते करोड़ों की संख्या में पहुंच गई। जब अंग्रेज गए 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के महात्मा गांधी जैसे कुछ क्रांतिवीर जो जीवित थे, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि हाँ, और कहा कि अब अंग्रेज गए हैं, जल्दी से गोहत्या बंद होनी चाहिए। तो वो गोहत्या बंद होने के लिए भारत की संसद में प्रस्ताव आया, और उस प्रस्ताव को लाने वाले एक बहुत अच्छे सांसद थे, उनका नाम था महावीर त्यागी। वो कई बार संसद सभ्य बने थे, माने खासदार बने थे। सोनीपत नाम का एक क्षेत्र है हरियाणा में, वहां से वो जीत कर आते थे, और किसी राजकीय पक्ष के टिकट पर नहीं, अकेले जीत कर आते थे। महावीर त्यागी जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो संसद में खड़े होकर भाषण दिया करते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सारे काम छोड़कर उनका भाषण सुना करते थे, क्योंकि वो सरकार की इतनी खिंचाई करते थे, तो उसका जवाब कैसे देना है संसद में, ये नेहरू जी के लिए मुश्किल हो जाता था। तो नेहरू जी सब काम छोड़कर महावीर त्यागी जी का भाषण सुनते। महावीर त्यागी जी ने सबसे पहले याद दिलाया कि देखो, अंग्रेज अब चले गए, हमारी सरकार आ गई, अब गोहत्या बंद करने के लिए कानून बनाओ। तो संसद में प्रस्ताव आया, उस पर बहस हुई। महावीर त्यागी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि अंग्रेजों की ये जो राजनीति थी हिंदू मुसलमानों को बांटने की गाय के प्रश्न पर, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए कि देखो असलियत ये है, कोई मुसलमान गाय का मांस ज्यादा नहीं खाता और कोई मुसलमान गाय को कटवाना भी पसंद नहीं करता, ये तो अंग्रेजों की चाल है हमको आपस में लड़ाने की और बर्बाद करने की। तो ये चाल को समझकर मुस्लिम खासदारों ने भी समर्थन किया कि हाँ, गोरक्षा होनी चाहिए। विधेयक आने का समय आया। विधेयक के समय पर आप जानते हैं संसद का नियम यह है कि बहस जब पूरी हो जाती है तो वोट लिया जाता है कौन किसके समर्थन में है। तो इस पर वोट का समय आया। वोट के समय में एक दिन पहले यह तय हो गया था कि भारत की संसद के मैक्सिमम एमपीज, सबसे ज्यादा खासदार, गोरक्षा के समर्थन में है, और मुश्किल से कुछ एमपीज जिनकी संख्या 10 भी नहीं थी वो गोरक्षा के विरोध में है। तो 10 एक तरफ हैं, बाकी एक तरफ हैं, तो इसका माने प्रस्ताव पारित होना है। अगले दिन जिस दिन ये वोट के लिए आया, तो पंडित नेहरू ने कहा कि मुझे कुछ कहना है वोट से पहले। क्या कहना है जी? पूरे संसद की निगाह है नेहरू जी की तरफ। नेहरू जी ने कहा कि अगर गोरक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि मेरे दोस्त संदीप ने नेहरू जी का कोट किया है। कई बार हमें धोखा हो जाता है, चेहरा कुछ होता है, असलियत कुछ होती है। हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले से एक बहुत बड़ा मामला आया है सामने, बहुत गंभीर मामला है वो। अगर राजनीतिक लोग उसको थोड़ा बाजू में रख दें तो भी देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला यह है कि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने एक दस्तावेज आधारित किताब लिखी है, जिसमें उसने नाम लेके कोट किया है कि भारत के कौन कौन प्रधानमंत्री, कौन कौन मंत्री रूस से पैसा लेते रहे और रूस के समर्थन में इस देश में कानून बनाते रहे। उस किताब में मित्रोखिन नाम का वो ऑफिसर है, उसने लिखा है कि भारत में प्रधानमंत्रियों का मुखौटा कुछ होता है, कार्य कुछ होता है। ये बात आपको समझ में आए इसलिए मैंने सुना है कि नेहरू जी आजादी के पहले भाषण दे रहे हैं कि कत्ल खानों के सामने से गुजरता हूं तो मुझे घिन आती है, एक मिनट में खड़ा नहीं रह सकता, चील कौए मडराते हैं, मेरी आत्मा मुझे कचोटती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गोरक्षा का प्रस्ताव आता है तो वही नेहरू जी कहते हैं कि प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों? कारण क्या है? इस पर खोज होनी चाहिए कि आजादी के पहले एक कहा और आजादी मिलते प्रधानमंत्री बनते इस्तीफा देने लगे। अब उस जमाने में होता क्या था, नेहरू जी की धमकी के इस्तीफा दे दूंगा तो पूरी पार्लियामेंट हिल गई महावीर त्यागी को छोड़कर,
क्योंकि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं था, क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पर कभी चुन के नहीं आते थे। तो जो कांग्रेस के टिकट पर चुन के आने वाले खासदार थे उनके लिए प्रश्न खड़ा हो गया, अब क्या होगा, नेहरू जी इस्तीफा दे देंगे, सरकार चली जाएगी, पता नहीं दोबारा जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये होता है ना, आज भी होती है ना तकलीफ। अभी थोड़े दिन पहले एनडीए सरकार चलती थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा इस्तीफा दे दूंगा, देखा आपने कैसे तमाशा हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, आपने देखा कैसा तमाशा हुआ दिल्ली में, ऐसे ऐसे खासदार बंदूक तमंचा, मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि सोनिया गांधी हमारी वो प्रधानमंत्री नहीं बन रही है। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो वहां चले गए। किसी ने आत्महत्या किया क्या? सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी फिर भी किसी ने आत्महत्या किया क्या? राजनीति में चेहरे कुछ होते हैं, मुखौटे कुछ होते हैं। इतने सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं एक ही बात समझाने के लिए, मुखौटे कुछ होते हैं, चेहरे कुछ होते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई बात जो कह दी है उन्होंने पब्लिकली उस पर वो टिकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति का यही सबसे बड़ा दुर्गुण है, एक दिन बोलना अरे मुझे तो गलत कोट किया है अखबार वालों ने, अखबार वाले सुना देंगे देखो तुमने बोला है, हां हां बोला है तो तुमने गलत अर्थ निकाल लिया इसका। अब कितने अर्थ होते हैं किसी शब्द के, ये पॉलिटिशियन से आप पूछिए। ये जो बीमारी है ना भारत में, नेहरू जी के समय से है, आज की नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, और चूंकि ये बीमारी उस जमाने से है इसलिए गोरक्षा का कानून आज तक बना नहीं इस देश में। जब जब संसद में कोशिश हुई कुछ ना कुछ अड़ंगा इसी तरह का। एक और उदाहरण देता हूं, 1966 में, आप में से कुछ लोग होंगे, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय की यह घटना है, भारत के लाखों संतों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला दिल्ली में, गाय रक्षा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। गांधी जी तो तब थे नहीं, विनोबा जी थे, गांधी जी के शिष्य थे, उनका आशीर्वाद लेके बहुत बड़े बड़े साधु संत इकट्ठे हुए। स्वामी करपात्री जी महाराज जो शंकराचार्य के स्थिति वाले संत हैं, वो उन्होंने लीडरशिप लिया, वो रक्षा होनी ही चाहिए। लाखों साधु संत इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम संसद को घेर लेंगे अगर सरकार गोरक्षा का कानून पारित नहीं करती। सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए, स्वामी करपात्री जी महाराज के थोड़े दिन पहले के आशीर्वाद से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। तो स्वामी करपात्री जी को लगता था कि इसको तो आशीर्वाद मैंने दिया है, अब ये कैसे मना करेगी मेरे काम को। स्वामी जी को मालूम नहीं था चेहरे कुछ होते हैं, मुखौटे कुछ होते हैं। अच्छा, विनोबा जी ने भी आशीर्वाद दिया था, आपको मालूम है श्रीमती इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन बहुत कमजोर थी, उनके सामने जो टक्कर में थे ना वो बहुत पावरफुल लीडर थे, निजलिंगप्पा, बहुत पावरफुल आदमी थे, पूरा दक्षिण भारत उनके समर्थन में खड़ा था और तय था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। निजलिंगप्पा को अड़ंगी लगाकर श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो बहुत सारे संतों से आशीर्वाद लिया था, तो करपात्री जी ने भी दे दिया, विनोबा जी ने भी दे दिया। अब प्रधानमंत्री बनते ही याद दिलाया विनोबा जी ने, वो काम करो ना मेरा, वो हत्या बंद करने के लिए कानून लाओ। तो कहा बाबा अभी थोड़े दिन संभालने तो दो। तो बाबा ने कहा कितना दिन लगेगा संभालने में? तो दिन बीतते गए और करपात्री जी महाराज का धैर्य चुक गया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल दिया, सरकार को घेरना है, संसद को कॉर्डन कर देना है, कोई अंदर जाएगा नहीं, कोई बाहर आएगा नहीं जब तक गोहत्या बंद नहीं होती। आप जानते हैं क्या हुआ? जिन करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उन्हीं के ऊपर श्रीमती गांधी ने गोली चलवाई, और एक नहीं सैकड़ों साधु उसमें मर गए, लेकिन गो हत्या नहीं रुकी, वो वैसे ही चले। उसके बाद स्वामी करपात्री जी ने, उनके शिष्य बताते हैं, मैंने कभी उनसे सीधे बात नहीं की, स्वामी करपात्री जी ने श्राप दे दिया
और वो ये कहते हैं कि उसी श्राप का दुष्परिणाम है कि जिस तरह से श्रीमती गांधी ने गोलियां चलवाकर मरवाया था गोरक्षा भक्तों को, उसी तरह से श्रीमती गांधी मारी गई। और ये अजीब संयोग है, मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो मुझे पता चला श्रीमती गांधी ने जिस दिन ये गोली चलवाई थी उस दिन गोपा अष्टमी थी। भारत में गाय के पूजन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है गोपा अष्टमी, दीपावली के कुछ दिन बाद आता है, और श्रीमती गांधी को जिस दिन गोली मारी गई वो दिन भी गोपा अष्टमी थी। ये सब हुआ लेकिन गो हत्या नहीं रुकी। विनोबा भावे जिन्होंने आशीर्वाद दिया था श्रीमती गांधी को, वो जीवन के अंतिम दिनों में डिप्रेशन में चले गए, इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, खाना पीना छोड़ दिया। जैन संतों की भाषा में कहूं तो संथारा ले लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहूं तो आत्महत्या कर ली। इतने डिप्रेशन में गए विनोबा जी। और विनोबा जी बार बार एक प्रश्न पूछते थे कि मैं कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा हूं, एक छोटी सी मांग है कि गाय का कत्ल बंद करा दो, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, संसद के सब सदस्य मानते हैं, मेजोरिटी संसद इसके साथ में है। और उन्होंने कहा कि गाय का कत्ल बंद हो जाए तो ये देवनार कत्ल खाना बंद हो जाए जो मुंबई में चलता है, जिसमें 26,000 जानवर आज रोज कट रहे हैं, उस समय 11,000 कटते थे। छोटा सा प्रश्न था, नहीं हुआ, और वो वहीं छूट गया। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जब एनडीए सरकार आई तो बड़ी मुश्किल से एक बिल तैयार करके संसद में पेश किया गया कि गाय की हत्या तुरंत रुकनी चाहिए, कानून तुरंत बनना चाहिए। सवेरे बिल पेश किया गया, शाम को वापस ले लिया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सवेरे विधेयक पेश किया सरकार की तरफ से, शाम को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि इस पर बाद में बहस होगी। मैं आपको यह सुनाकर क्या कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद हो जाए ये हमारी सद इच्छा है, लेकिन गाय का कत्ल चलता रहे उसके लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो समझना जरूरी है। हमारी तो सद इच्छा है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश में जो गाय के कत्ल को लगातार चालू रखना चाहता है। जब भी संसद में इस तरह की बहस होती है कुछ ना कुछ इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। एक दिन तो मैं खुद संसद की दर्शक दीर्घा में था, उस दिन बहस हो रही थी इसी गोरक्षा के प्रश्न पर, मैं गया था कि आज देखें सांसद कौन किस समर्थन में है, कौन किस पक्ष में है। सारे सांसद एक बाजू में स्वर से बोल रहे हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए, मुस्लिम सांसद जीएम बनातवाला ने कहा कि अगर बिल पास होता है तो पहला वोट मेरा गोरक्षा के समर्थन में। उनके साथ दूसरे मुस्लिम सांसद खड़े हो गए, हमारी आपत्ति नहीं है, आप कानून बनाइए। अभी एक महिला खड़ी हो गई, उसका नाम है सुश्री ममता बनर्जी, उसने कहा गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा। गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा। और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को कोट करके बोलना शुरू किया कि कोई कसाई गाय का कत्ल करता है ये उसका मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो मामला कहां बिल्कुल होते होते फिर फिसल गया। इसी तरह से एक बार और हुआ, हमारी संसद में सब तय हो गया कि गोरक्षा का बिल पास ही हो जाना चाहिए, सब हो जाना चाहिए। एक महामहिम भारत देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े हुए एक व्यक्ति जीजी सोयल खड़े हो गए कि मैं गाय का मांस खाता हूं मेरा क्या होगा। तो मैंने उनको एक खत लिखा था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, मैंने कहा आप गाय का मांस खाते हैं खाते रहिए अपने घर में काट के, ये कत्ल खाने तो बंद होने दीजिए। आपको गाय का मांस खाना है आप अपने घर में कत्ल करिए, काटिए उसे खाइए, आप में हिम्मत है तो अपने घर में गाय को काटिए खाइए, आपकी बीबी बच्चे भी आपको देखें उसको काटते हुए खाते हुए, पड़ोसी भी देखें आपको काटते हुए काटते हुए, और अगली बार आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े तो सबको पता तो चले कि ऐसा व्यक्ति इस देश में राष्ट्रपति बनना चाहता है। जवाब नहीं दिया उसके बाद, क्योंकि इस तर्क में
क्या बुराई है? आपको गाय का मांस खाना है, ठीक है, खाइए ना, घर में काटिए खाइए, ये कत्ल खाने क्यों चाहिए आपको? ये तो आपके मांस की सप्लाई नहीं करते, ये तो एक्सपोर्ट करते हैं सबका सब। आप खाना है तो घर में काट के खाइए। उसके बाद बंद हो जाती है सारी बहस। पिछले आजादी के 58-59 सालों में संसद में 4 बार गंभीरता से गोरक्षा पर बहस हुई है, प्रस्ताव पारित होने तक आया है, वोट करने तक नौबत आई है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अटकता गया है। कभी पंडित नेहरू के इस्तीफा देने की धमकी के कारण, कभी हमारे देश में सुश्री ममता बनर्जी जैसे खासदारों के ये कहने के कारण कि मैं गाय का मांस खाती हूं मेरे मौलिक अधिकार का क्या होगा, कभी जीजी स्वेल के कारण, और कभी सवेरे विधेयक पेश किया और शाम को बहस करेंगे दोबारा, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान के कारण हर बार ये हुआ है। मैंने इसको समझने की कोशिश की है कि आखिर गाय की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है या जानवरों की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो भारत की संसद इसको होने नहीं देना चाहती।